लकड़ी व्यापारी से लाखों की लूट। यूपी के रामपुर में सिविल लाइन क्षेत्र में लकड़ी कारोबारी को नशा देकर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। नशे की हालत में सड़क किनारे पड़े लकड़ी कारोबारी को लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लूट की सूचना में पुलिस में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह समेत तीनों थानों की पुलिस अस्पताल पहुँच गयी। लकड़ी कारोबारी की बात सुनी, पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। पहले बताया गया यूपी 100 नोवा हॉस्पिटल के सामने 9 लाख। बाद में पुलिस जब पहुंची तो पता चला नोवा हॉस्पिटल में एक व्यक्ति आया है जिसका ये कहना है कि वो कैमरी रोड पे जैसे ही शहर से निकला है तो उसको कुछ लोगों ने गमछे में कुछ सुघा दिया। एक गमछा उनके पास था, वो उसको लेकर के उसे सुघा दिया जिससे वो बेहोश हो गए। यद्यपि वो व्यक्ति वहाँ कुछ नहीं कर रहा था लेकिन उसके लोग ऐसा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि SBI शाहबाद गेट से उसने 9 लाख रुपए निकाले थे, 2 लाख रुपए उसने पहाड़ी गेट पर किसी को दिया था और 7 लाख रुपए उसके पास थे। पुलिस ने जब इस पर छानबीन की तो SBI से आज को ये 9 लाख का ट्रांजेक्शन भी किया। बाद में लोगों ने कहा PNB से, PNB में भी नहीं हुआ और फिर धीरे धीरे मैंने शाहबाद गेट और SBI शाहबाद वहाँ तक पता लगवा लिया, कहीं 9 लाख का कोई ट्रांजेक्शन। डॉक्टर्स नोवा से फिर वो जिला अस्पताल आए, जिला अस्पताल में भी डॉक्टर्स का कहना है कि अपने को अनकॉन्शियस कह रहा है लेकिन जो हमारे सिम्टम है मेडिकल की भाषा में उसमें अनकॉन्शियस नहीं है। मेरे सामने फिर डॉक्टर ने उनको कुछ दवा दी और कहा उठ के बैठ जाओ, तो बैठ गए। फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने 2-2.5 लाख रुपये मेरे पास थे, मुझे याद नहीं क्या होगा, मुझे होश नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं। तो इस तरह से चूँकि इसमें इतना वर्जन है कि बात कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रही है।